अब मुंबई में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है, तो दिल्ली एनसीआर का भी जिक्र कर लेते हैं। सुबह सुबह रुक रुक कर यहां पर बारिश हो रही है, लोगों की मुसीबत अब ये बारिश बनती जा रही है। जगह जगह पानी भरने से ट्रैफिक पर असर पड़ा है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली और इसके आसपास के इलाके में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिन भर दिल्ली में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी, जहां अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मतलब उमस से आपको दो चार होना पड़ेगा और बूंदाबांदी से थोड़ी बहुत आपको राहत मिलती रहेगी। तो एक तरफ मुंबई, दूसरी तरफ दिल्ली। मुंबई में जल भराव के चलते दिक्कत हो रही है और दिल्ली के जो लो लाइंग एरियाज हैं, जैसे मिंटो रोड में तो फिलहाल ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है, नहीं तो यहां पर भी अंधेरी की तरह पानी भर जाता है और ट्रैफिक बाधित होती है। बहरहाल मुंबई के लोग ज्यादा दो चार होंगे आज जल भराव और ट्रैफिक से, वहीं दिल्ली वालों को कुछ एक इलाकों में ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है। अब पुणे में मूसलाधार बारिश के चलते कई सोसाइटीज में पानी भर गया है और कल से पुणे में जोरदार बारिश हो रही है। पूरे शहर में पानी भरा हुआ है और बारिश अभी भी यहां पर चल रही है, जिसके चलते राहत मिलने के आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं। पुणे की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां इस वक्त बारिश का अलर्ट जारी हुआ है और जो नदियां हैं वो पूरी तरह से लबालब भरी हुई हैं। आसपास के इलाकों में पानी भर गया है और आप यहां पर देखिए कि जो मेट्रो का इलाका है, मेट्रो लाइन गुजर रही है, उसके पास जो यहां से नहर और नदी नाले हैं उनमें कितना पानी भर गया, जिसके चलते जो आसपास के इलाके हैं पूरी तरह से डूब चुके हैं। देखकर ये समझ में नहीं आता है कि क्या ये वाकई में रिहायशी इलाके हैं। और ये सड़कों का हाल देख सकते हैं पुणे में, पुणे में जबरदस्त बारिश हो रही है। इस पूरे इलाके में इस वक्त पानी के बरसने के चलते जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं वो पूरी तरह से पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। लोगों के लिए बेहद खतरा भी है और साथ ही साथ आम लोग जो अब काम के लिए निकल रहे हैं, जो लोग स्कूल जाएंगे उनके लिए परेशानी। हालांकि जो प्रशासन है उसने स्कूल और जो कॉलेजेस हैं खासतौर पे स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है, लेकिन जो लोग काम के लिए जा रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, उन्हें फिलहाल तो कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है।